हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं हूँ जी आज आपके साथ एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता नाश्ता और यहाँ पे है सुबह 11 बजे का टाइम और ये होता है मेरे नाश्ते का टाइम, क्योंकि सुबह आपको पता है कि हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है तो वो तो उठते ही हैं। तो नमाज़ पढ़ के नाश्ता बना के मैं दोबारा से सो जाती हूँ। और आज मेरा जो है अपने लिए रोटी बनाने का मूड बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो मैंने ये मेरे पास चिकन नगेट्स पड़े थे कुछ पाकिस्तान से लेकर आई थी कैनस के, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, तो वो मैंने बनाए। और ये हो गया जी मेरा सिंपल सा नाश्ता रेडी। और आज मुझे आपके साथ शेयर करना था अपना आइकिया हॉल, जो मैं उस दिन आपसे मैंने ज़िक्र किया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी जो वो पत्ती वाला जार जो था वो खाली हुआ पड़ा था और पत्ती बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी उसका रैपर सा, तो वो मैं इसके अंदर पत्ती जो है वो डालने की कोशिश कर रही थी, जो कि जार के अंदर कम और इर्द गिर्द ज़्यादा फैल गई थी। क्या मेरा जार भी टूट गया इस चक्कर में। चलें जी, खैर ये जो चीज़ें हैं मैं सारी लेकर आई हूँ आइकिया से। उस दिन जब गई थी 150 रियाल में, यानी 150 रियाल में मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो बस मैं घर से ही ये सोच कर गई थी कि मैंने जो है वो फालतू पैसे जो है बिल्कुल नहीं लगाने, और जो भी वहाँ पे ऑफ़र्स होंगी मैं वहीं से ही चीज़ लूँगी जो मुझे चाहिए होगी और जिस पे मुझे अपना फ़ायदा महसूस होगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मेरी 150 के अंदर ही आ गई थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें ली हैं। और ये है जी आप देख रहे हैं, ये है वॉशरूम ऑर्गेनाइज़र, इसको सेट करने वाला है। ये पूरा एक रैक बन जाता है जो कॉर्नर में आप उसको रख सकते हैं। और बेटी मेरी जो है वो मेरे पास खेलती फिर रही है, तो अपने खिलौनों को पकड़ के चू 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 ये लो स्वा ये लो। तो ये है जी वॉशरूम ऑर्गेनाइज़र और बहुत खूबसूरत लगा था मुझे। और बड़ी कम मतलब वॉशरूम में आपको पता है कि अगर आपका वॉशरूम थोड़ा कंजस्टेड है छोटा है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, मतलब उसकी स्टोरेज के लिए आपको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो ये जगह भी काफ़ी कम लेता है और इसके अंदर जो है वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब जो है ये देखें आप, इसके ऊपर पूरा मॉडल बना हुआ था, ये जब जुड़ जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसा सा हो जाएगा। तो मैंने इसे खोल के काफ़ी ट्राई की और ये मुझसे नहीं जुड़ा है। ये फिर अब हस्बैंड को कहूँगी कि वो छुट्टी वाले दिन थोड़ी सी हिम्मत लगा के इसे मुझे जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके दे दें। तो ये जो चीज़ों की आप हाइलाइट्स देख रहे हैं ये मैं आपके साथ इसकी तफसील शेयर करती हूँ। ये जो एक पूरा प्यारा सा एक आपको ग्लास जार नज़र आ रहा है, ये भी मुझे 6-7 रियाल का मिला था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसको आप सीधा तो रख ही सकते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह आम यूजुअल जार रखे जाते हैं, लेकिन इसको आप साइड पे भी रख सकते हैं, यानी कि इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। मैं आपको इसके अंदर मेरा ख्याल है कि चीनी वगैरह का कोई चीज़ रखूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना प्यारा लगता है आपके काउंटर टॉप पर अगर पड़ा हो तो। और ये था जी कैंचियों का सेट, किचन के लिए मेरे पास नहीं थी, जो सीज़र थी मेरे पास नहीं थी, तो ये भी मुझे मेरे ख्याल में 8, 9 या 10 रियाल की मिली होंगी। ये 3 का सेट था। और ये है जी रोटी वाले रुमाल, और ये थे 4, 4 का सेट था और ये था 12 रियाल का। काफ़ी अच्छा स्टफ था इनका और ठीक ठाक सही किस्म के ये थे रोटी लपेटने वाले जो रुमाल होते हैं। और ये है जी एक मैं लेकर आई हूँ साइड कॉर्नर, जो ऊपर आप उसे कह लें कि वो एक वॉल जो आप कह सकते हैं दीवार पे वॉल रैक है, वो एक दीवार पे उसको सेट किया जाएगा। और कैसे सेट किया जाएगा वो मैं आपको जब सेट करवा लूँगी दिखाऊँगी। तो ये है जी चेयर, फोल्डिंग चेयर लेकर आई हूँ। ये भी मुझे मिली थी 29 रियाल की आई थिंक, या फिर 30 रियाल की, 30 रियाल समथिंग इसी तरह से ही है ये इसकी कीमत कुछ।
खैर मेरा कैमरा जो है वो सही जगह पे फिट नहीं था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी, और ये भारी भी था, तो बस मैंने इसी तरह करके जो है इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको सही तरह से नज़र आ गई हो तो किसी दिन जब इसको सेट करेंगे तब भी मैं आपको दोबारा से इसको दिखा दूँगी। और ये देखें जी, इस तरह के ये जो ये 7-7 रियाल के मुझे कुशन मिले थे, वहाँ पे इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है और फीलिंग भी इनकी बड़ी अच्छी है पोलिएस्टर की। तो इस तरह के मैंने लिए हैं, 2-3 आई थिंक लिए हैं, या हाँ 2-3 ही लिए हैं मैंने ये। और ये आए थे 6-6 रियाल के। और ये सबसे, अपनी सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मेरा जो मुझे पसंद की चीज़ें एक ये थी, मेरा टीपॉट था, थर्मस था, ये मुझे मिला था 22 रियाल का, प्लास्टिक बॉडी में है, और इसके अंदर का जो शीशा होता है, मेन चीज़ जो इसका जो आपका टीपॉट होता है उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो मेन चीज़ होता है। तो बहुत अच्छा इसका वो शीशा अंदर वाला जो ग्लास लगा होता है, और इंतहाई बेहतरीन स्टफ़ था, और कीमत भी इंतहाई मुनासिब थी, यानी कि 22 रियाल का था ये, और अच्छा खासा बड़ा है ये। तो जब कभी हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे जो टी पॉट इनके अंदर चाय बना के लेके जाएं। और इसकी बड़ा सारा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब घर से कभी मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं या कहीं उम्रा वगैरह के लिए जाते हैं तो फिर मैं घर से बना के ही ले जाती हूँ। ये देखें जी, ये है वो जो दीवार पे लगने वाला एक रैक सा है ना, जिसके मैं आपको वो जो सेट करने वाले कॉर्नर से आपको दिखा रही थी, ये उसके साथ लग के, तो ये सेट हो जाएगा। जब ये इसको मैं दीवार पे फिट करवा लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब मैं अपना होम टूर दूंगी तब आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और ये देखें जी, ये कटिंग बोर्ड है, आप इसे कह लें कि ये लकड़ी का एक तरह से होते हैं ना, कि लकड़ी का कटिंग बोर्ड तो हमारे पास अक्सर होते ही हैं। ये है प्लास्टिक का, आप इसको स्टफ़ कह रहे हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल, इसके ऊपर आप गोश्त बनाएं या जो भी इसको किचन यूज़ के लिए, बड़ा ही कन्वीनियंट है और बड़ी मज़े की चीज़ है। मैंने एक दो और लोगों की वीडियो में देखा था, तो मैं ये तो इंतहाई काम की चीज़ है ये। और ये भी मुझे मिला था 10 या 12 रियाल का। और एक ये टॉवल मिला था जो बिल्कुल इसके ऊपर एक हुक्सा बना हुआ है, इसको लटका के तो आसानी से आप इसके साथ हाथ हाथ साफ़ करें या जो भी। तो इसको ये किचन में तो नहीं लटकाया जा सकता, ये वॉशरूम में ही जाएगा। तो बस जी, यहीं तक थी मेरी आज की जो वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।